हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये वेव ऑप्टिक्स इंटरफ्रेंस का थर्ड वीडियो लेक्चर है और इसके बाद ये लास्ट लेक्चर भी है इसका एमसीक्यूज का। और इसके बाद हम डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, सेमीकंडक्टर्स के एमसीक्यू करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी हैं इसमें। अ थिन लेयर फिल्म ऑफ कलरलेस ऑयल इज स्प्रेड ओवर अ वाटर इन अ कंटेनर mu equal to 1.4 if the light of wavelength 640 nanometer is absent in a reflected light, what is the minimum thickness of the oil layer? 179.6 nanometer, 198.3 nanometer, 214.3 nanometer and 228.57 nanometer. Time starts now. इस क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान रखिए, मान लीजिए जो ऑप्शंस दिए हैं और आपने जो कैलकुलेट किया आंसर वो एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो जो नियरेस्ट एग्जैक्ट आंसर होगा आप उसको चूज कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, 228.57। और देखिए ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। म्यू गिवन है, लैम्डा गिवन है, रिफ्लेक्टेड में एबसेंट बोल रहा है तो मतलब डार्क का केस है, एब्सेंट स्पेक्ट्रम मतलब डार्क का केस है, और मिनिमम थिकनेस पूछी है। तो रिफ्लेक्टेड में डार्क का जो केस होता है वो होता है 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2 और n लैम्डा, और टी मिनिमम इक्वल टू कॉस आर तो 1 ले लेंगे, इंसिडेंट नॉर्मल इंसिडेंस ले लेंगे, एन लैम्डा एन की जगह 1 ले लेंगे मिनिमम थिकनेस के लिए, अपॉन 2 म्यू। तो लैम्डा है 640 नैनोमीटर, म्यू है 1.4, सॉल्व करेंगे तो 228.57 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट डायमीटर ऑफ 10th ring changes from 1.40 to 1.23 cm when a liquid is introduced between the lens and glass plate. What is the refractive index of the liquid? Options are 1.05, 1.15, 1.25, 1.29. Our time starts now. So, Newton's ring ka question hai. डायमीटर बोला है, 10th रिंग का चेंज हो जाता है जब हम उसमें लिक्विड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है 1.29, और सॉल्व करने का तरीका है डायमीटर इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है डार्क या ब्राइट रिंग, तो हम डार्क रिंग ले लेंगे, डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, एक न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हमने ऐड किया तो उसको डी वन बोल देती हूँ, स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू टू, या म्यू वन ही ले लेते हैं, म्यू टू ले लेते हैं, इसको भी टू ले लेते हैं, इसको वन और वन केस ले लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड करने पर डी वन एन वन स्क्वायर अपॉन डी एन टू स्क्वेयर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, और यहाँ से अगर आप म्यू देखेंगे यानी म्यू टू जो आएगा आपका वो आएगा 1.40 अपॉन 1.23 स्क्वेयर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.29 आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन है Two waves having the intensity in ratio of 9:1 produce interference. The ratio of maximum to minimum intensity is equal 10:8, 9:1, 4:1 and 2:1. Time starts now. तो दो तीन क्वेश्चन इस तरीके के हैं, आप सॉल्व करेंगे अब जो है, जहाँ पे इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया होगा और मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा होगा, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 4:1। तो यहाँ पे गिवन क्या है, आई वन अपॉन आई टू, दैट इज ए वन स्क्वेयर अपॉन ए टू स्क्वेयर इक्वल टू 9/1, ये गिवन है।
तो यहाँ से ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू हो जाएगी 3/1। अब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए, तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम हो जाएगा ए वन प्लस ए टू स्क्वेयर अपॉन ए वन माइनस ए टू स्क्वेयर, और वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 4a2 अपॉन 2a2 रहेगा, और यहाँ से आपका ये 4:1 सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कोरियन मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i आर सुपर इम्पोज, द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी इन रिजल्टिंग बीम आर 5i एंड i, 5i एंड 3i, 9i एंड i, 9i एंड 3i। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पे आई वन और आई टू गिवन है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी पूछा है, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होता है, आई वन प्लस आई टू प्लस 2√i1 आई टू। तो यहाँ पे जब ये आप वैल्यू रखेंगे तो 5i प्लस 4i 9i आ जाएगा ये, और आई मिनिमम होता है आई वन प्लस आई टू माइनस 2√i1 आई टू। तो ऊपर के एक्सप्रेशन से पता ही है माइनस होगा तो आई हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूटन सिंग अरेंजमेंट विद एयर फिल्म इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ nth रिंग, इफ एयर इज रिप्लेस बाय लिक्विड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, द डायमीटर ऑफ रिंग बिकम म्यू टाइम्स 1/μ टाइम्स 1√μ टाइम्स एंड √μ टाइम्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। और अगर आपको फॉर्मूला पता है, और मैंने पीछे भी लिखा हुआ है dn का फॉर्मूला लिख कर आई थी मैं, अगर पता है तो आप इसको सही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 4n λ/r/μ ये स्क्वायर होता है, जब आप यहाँ से dn निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आएगा, तो एक तरीके से यहाँ पे मैं इसको कांस्टेंट ले लेती हूँ फिलहाल, अपॉन म्यू, तो 1/√μ टाइम्स होगा। अगर सी को पूरे कांस्टेंट लिखती हूँ तो 1/√μ टाइम्स होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग इंटरफेरेंस प्रोड्यूस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, फ्रेस्नेल न्यूटन रिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर, नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा फिनोमिना है जिसमें डिवीजन बाय वेव फ्रंट का केस है? मैंने जब इंटरफेरेंस पढ़ाया था तो वहाँ बताया था डिवीजन बाय वेव फ्रंट और डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड की एग्जाम्पल, तो यस फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म इज अ करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन डिवीजन बाय वेव फ्रंट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेरेंस प्रोड्यूस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म, न्यूटन रिंग, फ्रेस्नेल मिरर, नन ऑफ दीज। टाइम स्टार्ट नाउ। तो सब सेम क्वेश्चन है, डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड में भी लिखा हुआ हो सकता है, डिवीजन बाय वेव फ्रंट में भी, बट आपको सही ऑप्शन करेक्ट करना होगा, पहचानना होगा। तो डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड में यहाँ पे ऑप्शन है न्यूटन रिंग, तो न्यूटन रिंग में डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड होता है, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 640 नैनोमीटर इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, द डायमीटर ऑफ एनी डार्क रिंग इज बी एन, विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 490 नैनोमीटर इज सेम इन सेम सेटअप, द कॉरस्पॉन्डिंग डायमीटर इज, और ऑप्शन है 7dn/8, 49dn/64, dn एंड 8dn/7। टाइम स्टार्ट नाउ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आंसर जो है, जब आप लगाते हैं तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। 4n λ/r/μ फॉर्मूला होता है, एक बार लैमडा वन ले रहे हैं, एक बार हम लैमडा टू ले लेंगे, वेवलेंथ चेंज करने पे डायमीटर पे क्या इफेक्ट आएगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। देखिए साथ साथ भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आंसर नहीं बताया इसमें,
अपॉन लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। लैम्डा वन है हमारा 640 और ये है 49, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डी एन स्क्वायर अपॉन डी एन डैश इक्वल टू 64 अपॉन 49। और जब आप यहाँ से डी एन डैश लिखेंगे तो 49 अपॉन 64 डी एन स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लेंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंटरफेयरिंग बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट हैव एन इंटेंसिटी इन द रेशियो ऑफ 16:9। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ अ फ्रिंज स्पेक्ट्रम फॉर्म विद द स्क्रीन इज 1:7:1, 49:1 एंड 256:81। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ, फॉर्मूला कई बार बता चुके हैं। आई वन और आई टू आपको दिया है, तो एक तरीके से ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर आपको दिया है, और आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम आपसे पूछा है। तो ए वन प्लस ए टू स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस ए टू स्क्वायर पूछा है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है 49:1। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इंटरफेरेंस ड्यू टू टू पिन होल स्लिट वॉज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व थॉमस यंग रेलाई न्यूटन्स एंड फॉनहॉफर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। और अब ये दोनों ही क्वेश्चन थ्योरिटिकली हैं, इसमें सॉल्व भी नहीं करना है, तो आप साथ के साथ मुझे पता है आंसर लगा चुके होंगे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया था, यंग्स ने किया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इंटरफेरेंस का। द शेप ऑफ पैटर्न डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, वेवलेंथ ऑफ लाइट, शेप ऑफ द स्लिट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसमें वैसे तो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ये वाला ऑप्शन भी, बी ऑप्शन भी, बट यस फॉर दिस क्वेश्चन शेप ऑफ द स्लिट इज करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। स्लिट्स की शेप्स चेंज करने पे इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज होता है, और डिस्टेंस चेंज करने पे फ्रिंज पैटर्न नियर और वो आता है, तो हम पैटर्न चेंज होता है बट शेप की बात कर रहे हैं, तो शेप पैटर्न तो शेप से ही चेंज होगा। फ्रिंज विड्थ कह लीजिए या सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस कह लीजिए, वो डिस्टेंस से चेंज होता है, बट जो पैटर्न की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, तो वो शेप ऑफ स्लिप पे ही डिपेंड करेगा। इंटरफेरेंस का एमसीक्यू एंड करते हैं, और अगर इंटरफेरेंस के एमसीक्यू आएंगे तो अभी तो नहीं आएंगे, फ्यूचर में आ सकते हैं, बट आप लोगों के लिए इतना ही है। और बाकी टॉपिक्स के भी अभी एमसीक्यू आ रहे हैं, उनको भी करते रहिए। जो पैरेलल में सीरीज चल रही है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, उसके भी एमसीक्यू करते रहिए। कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट होते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।